हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने जो वीडियो है वो है आपका फ्रैक्शंस यानी भिन्न। फ्रैक्शन आपको पता है कि जो बहुत सारे कमजोर बच्चे होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो फ्रैक्शन मैं अभी पिछले में लेकर के आया था, उसमें सरल फ्रैक्शन मैंने लगाया था। यहाँ पर आज थोड़ा अच्छे लेवल का फ्रैक्शन लगाऊंगा जो कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे आपको वो फ्रैक्शंस यहाँ पर दिख रहे होंगे जो आपको कठिन पड़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अच्छे अच्छे फ्रैक्शन समझाने वाले हैं। बस आपको आराम से वीडियो पर लास्ट तक स्टे रहना है, सारी चीज़ें आपके सामने समझ में आ जाएगी। तो पहला फ्रैक्शन आपके सामने है, चलता हूँ इसको हम दूसरे पर लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फ्रैक्शन को नोट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपका 5/6 क्या है, 5/6 -2/3, -2/3 है, 5/6 -2/3, ये आपका फ्रैक्शन है। कंडीशन देखिए, कभी भी आप फ्रैक्शन लगाने लगे तो आपको ध्यान देना है, सबसे पहला काम क्या करना है, हर पे ध्यान देना है। हर को देखो, हर को देखो, हर को देखना है, हर को देखो। क्या देखना है हर में, हर में आपको देखना क्या है, आपको देखना है कि बराबर है, क्या बराबर है या नहीं, बराबर बराबर है या नहीं बराबर, ये काम देखना है। बराबर हो तो सीधा वैसे ही जोड़ देंगे, सीधा हल करने लगेंगे, हल करेंगे। बाकी बहुत सारी विधियाँ होती हैं, उन विधियों को यहाँ पर अपना लेते हैं। जैसे देखिए, अब इसमें आपकी ये सवाल है, ये आपकी सवाल है, ठीक है। इसके बाद हमें इसमें क्या कैसे करना है वो देखिए। एक काम करना है कि आप इसको, हर यहाँ पर बराबर तो है नहीं, क्योंकि हर बराबर वाली सीधे सीधे जुड़ जाती है, घट जाती है। तो आप क्या करिए, इसके हर को बराबर कर लीजिए। ये काम है, ये देखिए ट्रिक है, ये आपका एक तरीका है। ऐसा नहीं है मैं यही एक तरीका बताऊंगा, और भी तरीके बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। 6 और 3 को बराबर करना है, एक ऐसी संख्या पर हमें दोनों को मिलाना है जो दोनों पर मिल जाए। अगर हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 × 6, मतलब 3 के पहाड़े में 6 आ रहा है, और 6 के पहाड़े में 6 कब आएगा, 6×1=6। तो हमें क्या कर रहे हैं, इसका लासा 6 आ जाएगा। हम 6 और 3 को हम एलसीएम निकाल के भी समझ सकते हैं, मतलब इसका हम 6, तो 6 को 6 तो बना ही है, 3 को हमें 6 बनाना है। तो हम पहला काम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर इसको ऐसे रहने देना है, और इसमें हमें क्या कर देना है, 2/3 इसमें हमें गुणा कर देना है। इसको हमें 6 बनाना है, तो 2 से गुणा करें इधर, तो 2 से गुणा करेंगे उधर, और हमारा इस तरीके से बन जाएगा क्या, वो ध्यान दीजिए। 5 आपका है ही, 6 आपका है ही, तो 2 × 4 हो जाएगा और 3 × 6 हो जाएगा। अब हमारा हर बराबर आ जाता है, तो इसको हम ऐसे ही नीचे लिख देते हैं, और ऊपर वाली चीज़ों को हम वैसे ही लिखते हैं, 5 और -4, 5 - 4। तो ये घट करके कितना आ गया आपका, 5 + 4 का 1/6, कितना आ गया, 1/6। अब इसके लिए हम अगला तरीका ये भी यूज कर सकते थे कि हम इसका क्या करते, तिर्यक गुणा करते। मैं 5/6 - 2/3 का मैं क्या करता, तिर्यक गुणा करता, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 और 3 का इसका हम गुणा करेंगे, तो हमारा कुछ इस तरीके से हल होगा। देखिए 3×5=15 हो जाएगा, 3×5=15, -6×2=12, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 6×3=18 हो जाएगा। अभी 15 में से 12 गया तो यहाँ पर 3 आएगा, और 18 आपका नीचे है, 3 से काटेंगे तो हमारा 3×6=18, 1/6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अपना हल कर सकते हैं चाहेंगे तो, ये भी तरीका है। इसके बाद आपका तरीका होता है लासा का, 6 और 3 का लासा लेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। अब 6 का पहाड़ा पढ़ना है कि हमारा 6 हो जाए, तो 6×6 यानी 5 में हमें 1 से गुणा करना पड़ेगा। बस फिर चिन्ह जो हो लगाइए, 3 का पहाड़ा पढ़िए, 6 में चाहिए तो 3×6, मतलब 2 में हमारा क्या करना पड़ेगा, 2 बार गुणा करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा क्या होगा, 5×1=5, -2×4, और इस तरीके 6 आ गया। 5 में 4 गया तो 1, 1/6 आ गया, कितना, 1/6। तो सभी में वही आंसर आने वाला है, कोई ज़्यादा दिक्कत होनी है। तो ये 2-3 विधियाँ थी, आप इसको लगा सकते हैं। ये आपका हर बराबर करके, ये आपका तिर्यक गुणा करके, और ये आपका लासा भी लगा करके। ठीक है, चलते हैं अगली सवाल पर पढ़ते हैं, अगली सवाल का लेवल कैसा है उसको देखते हैं। तो हमारा देखिए, सबसे पहले सवाल ये है आपकी, 6/7 - 4 सही 6/7 है। ठीक है, 6/7 - 4 सही 6/7 है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम
सवाल को नोट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर है आपका 6/7 माइनस माइनस, आप दिमाग डालिए माइनस, ये देखिए माइनस 4 सही 6/7, 4 सही 6/7, तो यहाँ पर आपका 4 सही 6/7 ये हो गया आपका। अब इसको हल करना है तो वही आपके प्रोसेस हैं जो इसमें हर बराबर है, जिसको आप ऐसे ही करते। पर उसके पहले हमें क्या काम करना है, उसको हमें इस भिन्न को इस नॉर्मल भिन्न में, मतलब मिश्रित भिन्न है, तो हमें पहले उस भिन्न को ऐसे चेंज करना। 7 का इसमें पहाड़ा पड़ेंगे, इसमें इसका क्या करेंगे, जीरो करेंगे, और इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो जैसे 7 चौक 28, 28 में 6 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34/7 हो जाएगा। अब इसको लगाना होगा, ये हर बराबर हो गया तो यहाँ पर हम 7 लिख दिए, फिर यहाँ पर 6 है -3 4 है, इसको अगर हम घटाएंगे 34 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 28/7 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। आप जल्दबाजी के लिए यूज कर सकते हैं, आप तिरिया गुणा भी कर सकते हैं पहले, लेकिन हमेशा इस भिन्न को चेंज कर लेना, इस तरीके के भिन्न को हमें साधारण भिन्न में बदल लेना है, ठीक है। बाकी आप इसको लासा द्वारा करेंगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि लासा तो आपका निकला ही है, लासा समान संख्या को निकलना नहीं है। फिर चलते हैं अगली सवाल पर, जो कि हमारी अगली सवाल क्या है, ये है अगली सवाल आपका 9 सही 9/4 2 सही 1/4, 9 क्या करेंगे यहाँ पर 9/4, 9/4 उसके बाद आपका -2 सही 1/7 -6/7 कुछ इस तरीके से है शायद, देखते हैं। 9 सही 9/4 2 सही 1/4 6/7, ये आपका 9/4, ठीक है आपका 9/4 2 सही 1/4, इसको कन्फर्म नहीं रहा, 2 सही 1/4 फिर 6/7, 2 सही 1/7, 2 सही 2 सही 2 सही 2 सही 1/4, उसके बाद 7 है, यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर आपका 4 है। अब इसको कैसे हल करना है, इसमें पहले मिश्रित जो भिन्न हो उस भिन्न को नॉर्मल भिन्न में लिख लेना है, तो 4 2 8 1 9, 9/4 हो जाएगा, फिर -7/6 ये तो आपका 6/7 है ये। अब यहाँ पर ये आपका सवाल एकदम मिश्रित भिन्न से, मतलब हमारा साधारण भिन्न में बदल गई। अब इसको हम क्या करेंगे, हर बराबर करके गुणा कर लेंगे या लासा, तो 4 4 7 केवल 2 ही संख्या, 1 4 है 1 7 है, 4 7 का लासा निकाल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 28, और इधर हम 9 का गुणा करेंगे कि मतलब 4 गुणा कर 4 28 यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर तो 9 में हम 7 से गुणा कर देंगे, इसी तरीके से 4 आपका 4 7 28 तो 9 में हम 7 से गुणा कर देंगे, फिर माइनस यहाँ पर 7 चौका 28 तो 4 से हम गुणा कर देंगे, यहाँ से 9 7 63 हो जाएगा, -9 7 63 हो जाएगा यहाँ पर, -6 7 42 हो जाएगा यहाँ पर, बटा में आपका 28 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम और चीज़ें लगाते हैं, देखिए अब इसको प्लस वाले को आप ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस वाले को जोड़ लीजिए, 2 9 2 11, 4 6 4 10 1 11, बटा में आपका 28 ही रहेगा। अब इनको हमें क्या करना है, डिफरेंस निकाल लेना है, 111 को हम 62 घटा देंगे, 111 में 63 घटाएंगे 7 बचेगा हमारा, तो 70 होगा, 70 में 30 जोड़ेंगे 100 होगा, और 11 ये तो कुल मिला के 70 और 10 ये 41 हो गया, बाकी जो आगे पीछे होगा इसको हम घटाएंगे। पहले हम इसको 63 लिख देंगे, इसको हम घटाने पर जरूर देखिए 11 में से 3 गया आपका 8 आ गया, क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है 11 से 3 8 आ गया, और 8 आपका 11 में से 3 गया 8 आ गया, यहाँ पर बचा है 0 यानी 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा, उसके बाद आपका यहाँ बचा है 0, तो 48 बच रहा है आपका 28 में, इसको 2 से काटेंगे थोड़ा बहुत कट भी जाएगा, ठीक है। बाकी 2 2 ना 4 2 चौके 8, 2 1 कम 2 2 चौके 8, 14 24 हो गया, 2 से काटेंगे तो फिर से कट जाएगा, और छोटी छोटी संख्या में मिलेगी। अगली सवाल पर चलते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है कि यहाँ पर हमारा ये सवाल है,
आपका कि 4/3 + 8, 4/3 + 8 है, ठीक है, 4/3 + 8। यहाँ पर सवाल जो है आपका अगली बार है 4/3 + 8, 4/3 + 8, कुछ इस तरीके से एकदम इजी है। इसको हम बटा 1 मान लेंगे और 1 चौके 4 कर देंगे, प्लस 8 तरीके 24 कर देंगे, बटा 3 एकम 3 कर देंगे, 24 और 4 28 हो जाएगा, 28/3 हो जाएगा। ये आप कई तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप इसे लास अगर लगाएं तब भी यही आने वाला है, एलसीएम भी लगा सकते हैं जैसे भी इच्छा हो। तो यहाँ पर आपका ये आपका सवाल कुछ भिन्न थे, भिन्न में आपको कोई ज़्यादा खास इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आराम से लगा लेना है आपको। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लगाया तो आपको इस तरीके के सवाल समझ में आनी चाहिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। बहुत सारे भिन्न होते हैं, बहुत सारे भिन्न टाइप होते हैं, तो